हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मैथ के एक और नए और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं कि इस वीडियो में हम प्रूव करके दिखाएंगे कि 2+2 क्या होता है, 5 भी हो सकता है। अब बात आता है, क्या इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2+2 जो 4 हम लोग पढ़ते आए हैं तो वो तो ठीक था, सब में काम करता था, तो ये 5 लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये जो आवश्यकता है इस वीडियो की बनाने की, ये किस लिए है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि हम लोग डेली क्लास में देखते हैं, उनको वॉच करते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि सवाल सही होने का मतलब क्या होता है, उसका आंसर और बुक का जो आंसर है वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सवाल बनाया हुआ क्या हो जाता है, गलत, उनका ऐसा मानना होता है। जबकि हम हमेशा से बोलते आए हैं कि सवाल के आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रोसेस। अगर प्रोसेस सही है तो सवाल के आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाए, है ना, डेसिमल के कुछ कुछ पॉइंट्स में या कुछ डिजिट्स में अगर डिफरेंस आ जाए तो उससे जो है तुम्हारे मार्क्स में कोई भी फर्क जो है जरा सा भी नहीं पड़ता है। तो आज हम लोग इसी से देखेंगे कि थोड़ा सा प्रोसेस अगर चेंज किया जाए तो किस तरह से 2+2 भी क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। यानी कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस है, आंसर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लेकिन वो सेकेंडरी है, सबसे मस्ट चीज पहला चीज क्या है, उसका प्रोसेस है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही इसी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि क्या 2+2 भी 5 हो सकता है ना, अगर हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है, ठीक है। इस वीडियो के एंड में हम जो है मैजिक ट्रिक 2 का भी जो है खुलासा करेंगे, है ना, एक्सप्लेनेशन देंगे कि उसका आंसर जो हम गेस किए थे इस तरह से, है ना, वो आंसर हम किस तरह से गेस कर पाए थे, ठीक है। और वीडियो के एंड में जो है एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होने वाला है उसके लिए, और बहुत मजा आएगा वो वीडियो के बारे में जान के, तो वो भी वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो चलो अब बात खत्म करते हैं, काम शुरू करते हैं। क्या काम, कि 2+2 को हम लोग प्रूव करते हैं किसके बराबर, 5 के बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। होने के जो है प्रोसेस को समझने के लिए आओ ध्यान देते हैं हम लोग इस पर बोर्ड पर। तो देखो, एक मैथमेटिक्स का रूल है कि किसी भी नंबर को उस नंबर के क्या लिख सकते हैं, हम बराबर लिख सकते हैं। मतलब क्या, 0 को 0 के बराबर लिख सकते हैं, 10 को 10 के बराबर लिख सकते हैं, 12 को 12 के बराबर लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम लोग भी उसी रूल को फॉलो करते हैं और कर लेते हैं क्या कि 0 को मान लेते हैं किसके बराबर है, 0 मान के लेते हैं, होता भी है 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब 0 को भी कुछ लिखा जा सकता है, बहुत सारा कुछ लिखा सकता है, जैसे 25 माइनस 25, 30 माइनस 30, 100 माइनस 100, तो बहुत सारा कुछ लिखा जा सकता है। लेकिन बहुत कुछ तो लिखेंगे नहीं, हमको सर्टेन चीज प्रूव करना है 2+2=5। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0 को क्या लिख देंगे, 20 माइनस 20, और इस 0 को क्या लिख देंगे, 25 माइनस 25, ठीक है। अब इस 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 5। इस 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। जब ऐसा हम लोग कर लिए तो अब हम लोग को करना क्या है, इस दोनों टर्म में लेना है क्या कॉमन। कॉमन लेने तो आता ही होगा, है ना जी, हम जानते हैं तुम लोग को आता है, तेज हो तुम लोग, है ना। तो देखो क्या है कि इस दोनों टर्म में जो है कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, वेरी गुड, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, है ना। तो हम लोग इस दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन कर लेते हैं, यहां बच गया 5 माइनस 5। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, है ना, क्या कॉमन ले लेते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हो गया 5 माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों जो है फैक्टर इसका कॉमन है, एक जैसा है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करा दिए, कैंसिल। अब ये आंसर आ गया क्या, 4 = 5। 4 भी 5 के बराबर हो सकता है इस प्रोसेस से, है ना, इंटरेस्टिंग। अगर तुम लोग अब 4 5 के बराबर हो सकता है, सोच लो, एक जरा सा डेसिमल में मिस्टेक होता था तो उसमें भी लगता था कि सवाल शायद बनाया हुआ क्या है, गलत है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस 4 को, है ना, जो हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से, ठीक, उसको लिख लेते हैं क्या कि 4 = 2+2। 4 = 2+2 तो हमेशा से पढ़ते आए ना, और इधर क्या है RHS में हम लोग का 5, तो ये जो फाइनल हम लोग का आंसर आ गया है क्या, 2+2 = क्या, 5।
तो यही चीज हम लोग को प्रूव करना था और यही हो गया क्या, प्रूव्ड, है ना। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा कि थोड़ा सा प्रोसेस के चेंज के कारण क्या हो जाता है, 2+2 इक्वल टू क्या हो गया, 5। अब बात आता है कि जो हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से 2+2 इक्वल टू 4, क्या वो गलत था, है ना? नहीं, वो गलत नहीं था। तो क्या ये गलत है? ये भी गलत नहीं है। तो ये 2+2 = 5 जो है आ क्यों गया है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे एक छोटा सा रीजन क्या है कि हम जो ये प्रोसेस किए हैं इसमें, इस प्रोसेस के बीच में एक जगह छोटा सा क्या है, मैथमेटिकल चोरी बोला जाता है उसको, है ना, जो कि तुमको पता भी नहीं चला। अगर पता चल गया है तो उसको जो है कमेंट में मेंशन करो, अगर नहीं चलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग जरूर एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा आंसर आ गया है, है ना, कि 2+2 क्या हो गया है, 5। अब बात आता है कि कोई अगर मान लो आपसे पूछ लेगा कि 2+2 होता क्या, तो क्या जवाब दोगे, 5। राजा सर बताया है 5, ये नहीं, 2+2 = 4 ही होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करने के बाद ये क्या हो गया, 2+2 = 5। उम्मीद है कि मजा आया होगा इसमें। चलो अब हम लोग समझते हैं कि मैजिक ट्रिक जो 2 था उसका जो है आंसर हम बिना देखे किस प्रकार से गेस पर कर पाए थे कि 73 आया था। जो कोई भी मैजिक ट्रिक 2 को नहीं देखे हो तो जरूर से जाओ पहले मैजिक ट्रिक 2 को देख लो, है ना, उसके बाद उसके जो है सॉल्यूशन को या उसके एक्सप्लेनेशन को समझना। तो आओ ध्यान देते हैं बोर्ड पर और समझो कि किस तरह से हुआ। तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को देखते हैं क्या, जैसे 30। तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं क्या प्राइम फैक्टर के रूप में, 2 × 3 × 5 ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे किससे, पहले 2 से, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे किससे, 5 से, तो 5 से 5 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, 3। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखना है हम लोग को उसको समझने के लिए। अब हम मान लो कि क्या बोले थे कि 4 डिजिट का कोई भी नंबर एक लेना है, ठीक है। तो 4 डिजिट का हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 4456। हम क्या बोले थे, इसके पीछे में वही नंबर वापस से लिख देना है, बोला गया था, है ना। तो ऐसा होता कब है, जब हम लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर दे, 10001 से। तो पता है आंसर क्या आएगा, यही नंबर वापस से इसके पीछे रिपीट हो जाएगा, 5 6, ठीक है। और जो है आंसर इसका हो जाएगा 4456। किसी भी 4 डिजिट नंबर को 10001 से गुना करने पर क्या हो जाता है, जो भी 4 डिजिट का नंबर होता है वो, और उसके पीछे वो नंबर बैठ जाता है। इंटरेस्टिंग है ये, है ना, ट्राई करना घर में। अब आओ, अब हम लोग क्या करते हैं, ये 4456 है मल्टीप्लाई, अब ये जो 10001 है इसका 2 फैक्टर होता है प्राइम फैक्टर, क्या क्या, एक होता है 73, एक होता है 137, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, हम क्या बोले थे पहला स्टेप में क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है 137 से। तो 137 से 137 क्या हो गया, कैंसिल। फिर नेक्स्ट स्टेप में बोले थे कि जो नंबर है उससे डिवाइड कर देना है 4456 से, ठीक है। तो ये भी हो गया क्या, कैंसिल। तो हम लोग जो हम नंबर गेस किए थे 73, तो ये जो नंबर आया था आंसर 73, ये हमको पहले से ही पता था क्या कि 73 ये आंसर आएगा, यानी कि कोई मैजिक नहीं था उसमें, क्या था, मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा लॉजिक था, है ना। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन को जो है समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब बात आता है क्या कि अब हम क्या सरप्राइज था उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते। तो सरप्राइज क्या है, अगला जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें जो है इंटरव्यू होगा मेरा और किसके साथ, सदन कुमार के साथ। सदन कुमार कौन है, जो इस बार जो है बिहार बोर्ड में, पूरे बिहार में 11th रैंक लाया है, जो हमारे ही इंस्टीट्यूट में क्या करता था, पढ़ाई करता था, और उसको मैथ में 99 मार्क्स है, ठीक है। तो उससे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से पढ़ता था, क्या करता था, क्या खाता था, है ना। ये तो खूब पूछते हो कि क्या खाते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग उससे बात करेंगे, और जो भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में भी होगा तो इसके कमेंट में भी लिख सकते हो कि क्या क्वेश्चन उसे पूछा जाए, और सोशल मीडिया में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो के साथ, उस वीडियो में बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ नया नया हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि मजा आया है। अगर चैनल पे नए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और ये सब ट्रिक अपने घर के सामने, घर वालों के सामने, फ्रेंड्स के सामने परफॉर्म करो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।